हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम रोहन है और आप देख रहे हैं ओम चैनल। तो अगर आपने सतीखंड का सेकेंड पार्ट नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये वीडियो है सतीखंड 3 मतलब शिवपुराण पार्ट 4 में रुद्र संहिता, उसमें सतीखंड का थर्ड पार्ट है ये वीडियो। तो सतीखंड 2 वीडियो में जहाँ पे एंड किया था वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो अब आगे, नंदाव्रत का उपस्थान करते हुए उमा को काफी समय व्यतीत हो गया था। शिवजी उनके सामने प्रकट हुए और वर मांगने का अनुरोध करने लगे। उमा ने उन्हें देखा और देखती रही, वह कुछ भी नहीं बोल पाई। जब शिवजी ने दोबारा वर मांगने के लिए कहा तो उमा ने कहा कि जो आपको अच्छा लगे वही वर दे दीजिए। यह सुनकर शिवजी ने उमा को अर्धांगिनी बनने का वर दिया। उमा ने उनसे निवेदन किया कि वे विधिपूर्वक उसे उसके पिता से मांगे। तब शिवजी ने मुझे दूत के रूप में दक्ष के पास कन्या मांगने के लिए भेजा। दक्ष ने मेरा प्रस्ताव मान लिया। दक्ष की स्वीकारोक्ति की सूचना मैंने शिवजी को दी। इसके बाद शिवजी ने मेरे अनुरोध पर शुभ मुहूर्त निकलवा कर विष्णु तथा मेरे अनेक पुत्रों को और अपने गणों को आमंत्रित किया। उन्होंने चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दक्ष के घर की और प्रस्थान किया। दक्ष ने यथासाध्य अत्यंत आदर सत्कार से भारत का स्वागत किया और वैदिक विधि से कन्यादान किया। इसके बाद एक घटना और घटी। जिस समय शिवजी और उमा विवाह के लिए यज्ञ मंडप में बैठे थे तो मैं सती की रूप आभा को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो गया। मेरी उत्सुकता व्याकुलता की सीमा तक बढ़ गई। मैंने उमा के मुख को देखने की बहुत चेष्टा की। जब मुझे अपनी कामुकता पर अंकुश लगता हुआ अनुभव नहीं हुआ तो मैंने सती का मुंह देखने के लिए चाल चली। मैंने यज्ञ कुंड में गीली समिधाएं डालकर धुआं उत्पन्न कर दिया। धुएं के कारण सती को अपना घूंघट खोलना पड़ा और सती के इस प्रकार खुले हुए मुख को देखकर मैं स्खलित हो गया। शिवजी को मेरा यह पाप कर्म ज्ञात हो गया और वे अपना त्रिशूल उठाकर मुझे मारने दौड़े। जब मेरे पुत्रों ने मेरी सहायता के लिए हाहाकार किया तो दक्ष सहायता के लिए आए, लेकिन उसका भी कोई फल नहीं निकला। फिर विष्णु जी ने बहुत विनम्र भाव से उनकी स्तुति की, जिससे शिवजी का क्रोध शांत हुआ। मैंने भी उनकी अनेक प्रकार की स्तुति करके पश्चाताप का उपाय पूछा। शिवजी ने पश्चाताप रूप में मेरे सिर पर आसन जमा लिया और मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करने का उपाय सुझाया, जिससे पृथ्वी के प्राणी दूसरे की पत्नियों पर कुदृष्टि न डाले। जब मैंने शिवजी के द्वारा दिए गए दंड को स्वीकार कर लिया तो शिवजी प्रसन्न हो गए। इसके बाद शिवजी ने दक्ष से उमा सहित कैलाश पर जाने की अनुमति मांगी। कैलाश पर आकर शिवजी सती के साथ 25 वर्षों तक विहार करते रहे। इसके बाद सती की अनुमति से शिवजी हिमालय के एक अत्यंत सुंदर और एकांत स्थल पर चले गए। वहां जाकर सती ने शिवजी से एक दिन पूछा कि इस संसार में विषयी जीव किस प्रकार परम पद की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शिवजी बोले, हे देवी, जीव को सद्गति के दो उपाय हैं, ब्रह्मा का ज्ञान और ब्रह्मा का स्मरण। इन दोनों में ज्ञान दुर्गम है क्योंकि परब्रह्म जानने से परे है, ज्ञानातीत है। ज्ञान का साधन ही स्मरण मूलक भक्ति है। अंतः जो भक्त भक्ति की महिमा नहीं जानता वह ब्रह्म तत्व को नहीं जान सकता। निर्गुण ब्रह्म की भक्ति सरल नहीं है और उसके लिए जो ध्यान अपेक्षित है वह सब जीवों में नहीं होता। इस कारण सगुण भक्ति ही सुलभ है और इसे अपना कर ही भक्त आत्मकल्याण कर सकता है। इसके साथ अधम भी भक्ति को अपना कर संसार को पार कर सकता है। मैं भक्ति के लिए भक्ति के तमाम विरोध का विनाश करके सिद्धि के मार्ग में उसका सहायक बनता हूँ। इस प्रकार भक्ति परम विज्ञान है। ब्रह्मा जी ने इसके उपरांत शिव के परम पावन चरित्र का वर्णन करते हुए सती के त्याग की कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए शिवजी सती के साथ दंडक वन में आए। वहां पर उन्होंने देखा कि भगवान राम सामान्य व्यक्ति की तरह पशुओं पक्षियों से सीता का परिचय और पता पूछते हुए वियोग में घूम रहे थे। जब भगवान शंकर ने आगे बढ़कर राम को नमस्कार किया तो सती ने अनुभव किया कि पत्नी के वियोग से पीड़ित एक अज्ञानी व्यक्ति को शिवजी क्यों प्रणाम कर रहे हैं। इस समय सती शिव माया से विमोहित हो गई थी। उन्होंने शिवजी से पूछा कि यह कैसा आश्चर्य है कि आप एक सामान्य व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। तब शिवजी बोले, हे देवी, श्याम वर्ण वाले राम और गौर वर्ण वाले लक्ष्मण
ये शेष के अवतार है। ये लोग पृथ्वी का भार हरने के लिए मेरी ही आज्ञा से यहाँ लीला कर रहे हैं। यदि तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं जाकर इनकी परीक्षा ले लो। मैं यहाँ वट वृक्ष की छाया में प्रतीक्षा करता हूँ। सती ने राम की परीक्षा लेने का निश्चय किया और वह सीता का रूप धारण कर राम के सामने उपस्थित हुई। राम ने बिना किसी संदेह के सती की वास्तविकता पहचान कर उनसे सीता के रूप में अकेले विचरण करने का कारण जानना चाहा। इस पर सती का संदेह दूर हो गया और उन्होंने पूछा कि आपके प्रणाम करने का रहस्य क्या है। इसके बाद राम ने शिव जी का स्मरण करके यह बताया कि एक समय भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक मनोहारी और विस्तृत भवन में एक दिव्य सिंहासन और एक सुंदर छत्र बनवाया। इसके बाद अनेक देवों, मुनियों, गंधर्वों की उपस्थिति में वैकुंठवासी भगवान विष्णु को उस आसन पर बिठाया। शिव जी ने उन्हें अभिषेक करते हुए अपना संपूर्ण ऐश्वर्य और सौभाग्य प्रदान करके सृष्टि का कर्ता बनाया और उन्हें अनेक अवतार लेने वाला बनाया। शिव जी ने उसी समय विष्णु को यह वरदान भी दिया कि वे पृथ्वी पर जब विचरण करेंगे तब शिव भक्त उनके प्रत्येक अवतार का सम्मान करेंगे। इसलिए हे देवी, मेरी इस अवतार अवस्था में भगवान शिव ने अपने वर के गौरव को रखने के लिए मुझे प्रणाम किया और सम्मान व्यक्त किया। मैं पिता की आज्ञा से वन में आया हूँ। यहाँ किसी राक्षस ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है, किन्तु अब भगवान शिव के दर्शन के बाद मुझे यह विश्वास हो गया है कि मैं अपनी पत्नी को पुनः पाने में सफल हो जाऊंगा।